वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, या उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी कंपटीशन है उसमें भी पूछे जाते हैं, जो एकेडमिक कोर्सेज होते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है क्या रियल में। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इकोसिस्टम, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम रियल में क्या है। एंड इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज डैट इंक्लूड ऑल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। देखा जाए, किसी भी इन्वायरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम रियल में क्या है, तो एक प्रकार से बोला जाए क्या इकोलॉजिकल यूनिट होता है, जो मिलकर किससे मिलकर बनता है, बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से क्या होता है, मिलकर आपके फॉर्म होते हैं। लेकिन जो भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उनका क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, उसी क्या बोलते हैं इकोसिस्टम। तो दोस्तों, इकोसिस्टम क्या है, तो बोलेंगे सर इकोसिस्टम इज ए इकोलॉजिकल यूनिट डैट इज कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट। किसी भी इकोसिस्टम की बात करेंगे, टू मेन कंपोनेंट होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट विद द एबायोटिक कंपोनेंट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इसमें देखा जाए, बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, और उसका इंटरेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसमें कहना कि क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, मीन द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनवायरमेंट। जब एनर्जी आपका फ्लो होगा तभी क्या हो जाएगा, वो एनर्जी पूरे एनवायरमेंट में क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके हम दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के, पहला होता है बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं किसके, इन्वायरमेंट के। यहाँ पे हम लोग डिटेल उसको डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ग्राफ है। देखिए, इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक आपने क्या बोला, ए बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड क्या बोला आपने, बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक में तो होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की बात करते हैं जैसे क्लाइमेटिक हो गया, एडिपिक हो गए, जैसे क्लाइमेटिक की बात करते हैं जैसे रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं आपके, ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। सॉयल, पीएच, मिनरल्स, ट्रोफोग्राफी, टोपोग्राफी, ये क्या होते हैं आपके, ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो स्ट्रांगली इंटरैक्ट होते हैं किसे, बायोटिक कंपोनेंट से। इनका क्या है, आपस में एक इंटरेक्शन होता है बायोटिक और ए बायोटिक का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और यहाँ पे देखा जाए बायोटिक कंपोनेंट की हम लोग बात करते हैं तो ये तीन मेन कैटेगरी में होते हैं। पहले बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी सेल्फ प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। सेकंड आपका होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। कंज्यूमर आपके वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से अपने क्या करते हैं, एनर्जी इनटेक करते हैं। और थर्ड होता है डीकम्पोजर, जिसको बोलते हैं सेप्रोटॉक्स। चाहे हम प्रोड्यूसर की बात करें चाहे कंज्यूमर की बात करें, जब वो डीकम्पोज होता है तो उसको डीकम्पोजर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, वो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाला काम कौन करते हैं, आपके डीकम्पोजर। तो तीन, अब इसमें देखा जाए कंज्यूमर को भी हम लोग क्या करते हैं, अगेन क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट में। जैसे बोला गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के दोस्तों क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब होता है प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो अपनी एनर्जी किससे इंटेक करते हैं, प्लांट से। बात होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर की हम बात करते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी इंटेक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो हर्बीवोर से एनर्जी इंटेक करता है। टर्शरी कंज्यूमर मतलब होता है लार्ज कंज्यूमर बोला जाता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी इंटेक करता है। और क्वार्टनरी कंज्यूमर की बात करते हैं जो ओमनीवोर होता है, ओमनीवोर की बात करते हैं जो आपके हर्बीवोर भी होता है और आपके क्या होते हैं, आपके कार्निवोर भी होते हैं, मतलब दोनों उनके अंदर क्या होता है, कैटेगरी आपका होता है जो क्या करते हैं, आपके प्लांट से भी एनर्जी लेते हैं और एनिमल से एनर्जी लेते हैं, जिसको बोलते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर में बेस्ट एग्जाम्पल आता है कौन, ह्यूमन बींग, डियर, ये सब क्या होते हैं आपके ओमनीवोर होते हैं, जो एनर्जी
प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए कि ये इकोसिस्टम कितना आपका इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चले हैं इसके डिटेल में। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन लिविंग फैक्टर या फिजिकल इन्वायरमेंट डैट फॉर्म एंड इको सिस्टम इज नोन एज ए बायोटिक कंपोनेंट। जो जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं जो आपके इको सिस्टम को फॉर्म करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आपके ये बायोटिक कंपोनेंट। और ए बायोटिक कंपोनेंट दे आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, ये फिजिकल फैक्टर क्या कहते हैं, जो आपके ऑर्गेनिज्म से स्ट्रांगली क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट मेनली आप टू टाइप। पहला हम लोग बात करते हैं आपके क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी आते हैं। और सेकंड आपका होता है एडिपिक फैक्टर, जिसमें सॉयल, पीएच, टोपोग्राफी और मिनरल्स की बात होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके एबायोटिक। तो क्वेश्चन आप लोगों में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एबायोटिक कंपोनेंट, या कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द टाइप ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, तो हम बोलेंगे कि सर एबायोटिक कंपोनेंट द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड एडिपिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन होते हैं और एडिपिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एडिपिक उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपका होता है बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जो बायोटिक कंपोनेंट की हम लोग बात करते हैं, मतलब क्या होगा ना, आपकी किसकी बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये क्या होते हैं आपके लिविंग होते हैं, डेट आर प्रेजेंट इन एन इको सिस्टम फॉर्म बायोटिक कंपोनेंट। जिस इको सिस्टम में जहाँ पे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं, उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ इको सिस्टम द बायोटिक कंपोनेंट कैन बी क्लासीफाई इंटू थ्री मेन ग्रुप। देखा जाए उसके फंक्शन के बेस पे, जो बायोटिक कंपोनेंट के फंक्शन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं आपके इको सिस्टम को तीन, माने जो ऑर्गेनिम होते हैं इको सिस्टम में, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, जिसको बोलते हैं रिड्यूसर। इसके कभी कभी दो दो नंबर में भी क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके जो एकेडमिक कोर्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर क्या है, व्हाट इज प्रोड्यूसर एंड गिव एग्जांपल, या कंज्यूमर, कंज्यूमर के कितने टाइप्स होते हैं, डिकम्पोजर गिव एग्जांपल, ये पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपके प्रोड्यूसर के बारे में। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ विच दे ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड चेंज इन टू केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखा जाए प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लांट। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट होंगे जो क्या करेंगे, जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो अपनी एनर्जी सेल्फ प्रोड्यूस करता है। सेल्फ प्रोड्यूस कैसे करता है, सोलर एनर्जी को इंट्रैप करता है और केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। CO2 H2O आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करके क्या कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर। और यही आपके क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोसेस नोन एज, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब इसमें देखा जाए इस नदी को बोला जाता है प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर क्या दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ऑटोट्रॉप। क्यों ऑटोट्रॉप बोला जाता है, क्योंकि अपनी जो प्लांट होते हैं अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, ओन फूड, मतलब ओन फूड क्या कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो भी उनका प्लांट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सेल्फ हो रहा है। नहीं तो बोला जाता आउटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप मतलब होता है फीडर, जो अपनी एनर्जी सेल्फ क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड बात करते हैं कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर क्या होता है, एनिमल। अब कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स के बोला जाता है, क्योंकि एनिमल के पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, वो एनर्जी सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो क्या करता है, दूसरे होस्ट पे क्या होता है आपका डिपेंड होता है। द एनिमल लैक क्लोरोफिल एंड अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। अब फूड क्या करेगा, सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, देन दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। तो प्रोड्यूसर के ऊपर क्या करेगा, अपने आप को डिपेंड करेगा, जिससे अपनी एनर्जी क्या करेगा, इनटेक करेगा, जिसको बोलते हैं लोग दी जानो ना हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप का मतलब होता है अदर
और ट्रॉप्स में मतलब फीदर, जो अदर से क्या करा आपने एनर्जी इनटेक करा उसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, हेटरोट्रॉप्स, या उसे बोलते हैं कंज्यूमर। अब देखा जाए कंज्यूमर को हम लोग क्या करते हैं, फोर मेजर पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, या उसे बोलते हैं क्या, हर्बीवोर। अब इस तरह प्राइमरी कंज्यूमर के दो नाम हो गए, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर एंड हर्बीवोर। हर्बीवोर हम इसलिए बोलते हैं, दो दीज आर द एनिमल विच फीड ऑन प्लांट आर द प्रोड्यूसर, जो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, जो अपना भोजन किस इनटेक कर रहे हैं, आपके प्रोड्यूसर से इनटेक कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर, उसे क्या बोल देंगे दोस्तों, हर्बी बोर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल को आते हैं, जैसे रैबिट, डियर, गोट, कैटल, ये सब क्या होते हैं आपके हर्बी बोर होते हैं, जो अपनी एनर्जी किस इनटेक करते हैं, डायरेक्टली प्लांट से। तो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर आपके होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर्स या प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी कार्निवोर। द एनिमल विच फीड ऑन हर्बीवोर इज नोन एज प्राइमरी कार्निवोर, जो हर्बीवोर से अपनी एनर्जी इनटेक कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके प्राइमरी कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल की बात है, जैसे कैट, फॉक्स, स्नेक, ये सब क्या होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर से क्या करते हैं, अपनी एनर्जी टेक करते हैं। सेकंड बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर मतलब होता है थर्ड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, दीज आर द लार्ज कंज्यूमर विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। देखा ये लार्ज कंज्यूमर होते हैं जो अपनी एनर्जी किस से इनटेक करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से लेते हैं। बहुत से आपके एग्जाम्पल आपके होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्सरी कंज्यूमर। क्वार्टनरी कंज्यूमर की बात करते हैं, आप फोर्थ ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर की बात करते हैं, या ओमनीबोर। ओमनीबोर जो आपके होते हैं, दीज आर द लार्जेस्ट कार्निबोर। क्या होते हैं दोस्तों, लार्जेस्ट कार्निबोर विच फीड ऑन टर्सरी कंज्यूमर एंड आर नॉट ईटन अब बाई एनी अदर एनिमल, जो किसी दूसरे एनिमल के द्वारा ईटन ना हो पाए उसे क्या बोलते हैं हम आपके आपके क्वार्टनरी कंज्यूमर या ओमनीवोर, जो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, दोनों से एनर्जी इनटेक कर रहे हैं, प्लांट से भी इनटेक कर रहे हैं और एनिमल से इनटेक कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग आपके क्वार्टनरी या बोल सकते हैं ओमनीवोर। जैसे ह्यूमन, लायन, टाइगर, डियर, ये सब क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं क्वार्टनरी माने ओमनीवोर आपके होते हैं, जो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं किससे, आपके प्लांट एनिमल दोनों से इनटेक करते हैं। डिकम्पोजर या उसी बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिड्यूसर। अब देखा जाए डिकम्पोजर की बात करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं, बिलोंग होते हैं इस कैटेगरीज में। इसका मतलब क्या है, दे ब्रेक द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर फॉर देयर फूड एंड रिलीज टू द एनवायरमेंट इन द सिंपल इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर देयर मेटाबोलिज्म। अब इसमें देखा जाए आपके डिकम्पोजर क्या हो गए, जो क्या करते हैं डेड, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर है, उसको क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या करते हैं वो रिलीज कर, डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट में क्या करते हैं उसको रिलीज कर देते हैं। द सिंपल सब्सटेंस आर रीयूज बाय द प्रोड्यूसर रिजल्टिंग इन ए साइकिल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बायोटिक कम्युनिटी एंड द एबायोटिक इन्वायरमेंट। देखा जाए जो भी डिकम्पोजर होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में डिकम्पोज करते हैं और वो कहाँ चला जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो इन्वायरमेंट से क्या होता है, अगेन जो प्रोड्यूसर होते हैं उसको अगेन इनटेक कर लेते हैं एनर्जी के फॉर्म में और क्या करते हैं आपके फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके क्या होते हैं आपके दूसरे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द डिकम्पोजर आर नोन एज सेप्रोटॉप। डिकम्पोजर को दोस्तों क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी किससे इनटेक कर, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब रोटेन फीडर होते हैं। रोटेन फीडर का होता था डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी इनटेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आपका है फूड चैन एंड फूड वे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके है। तो आप उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप हमको डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस पे आप हमको मेल कर सकते हैं, तुरंत ऑन स्पॉट आपको आंसर उसका मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, जिस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे करिएगा, क्योंकि जिसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते। थैंक यू ऑल द